हेलो दोस्तों, राम राम। आप सभी को कैसे हैं? आप सब लोग सभी को शुभ संध्या। इस टाइम शाम का 6:30 बज चुका है, तो मैं सोची काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं बनाई हूँ, तो आज आप लोगों के लिए व्लॉग बना के डालूँगी। तो आप लोग खूब सारा ढेर सारा प्यार दिला दीजिए हमारे व्लॉग को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अपनी भाभी को थोड़ा प्यार दिला दिया करो। आज मेरा मत्था पता है आप लोगों को पूरा रेड क्यों नज़र आ रहा है गाइस? वो इसलिए क्योंकि हम लाइव कर रहे थे, तो एक बंदे का कमेंट आया था कि भाभी आप सिंदूर नहीं लगाती, थोड़ा सा लगाती हो। तो गाइस आज मैं बड़ा सा सिंदूर लगाई, तो बस ऐसे ऐसे मतलब पसीना आया गर्मी में, तो पूरा मत्था रेड रेड हो गया है, उसके चलते पूरा मत्था रेड नज़र आएगा आप लोगों को। और गाइस हमारे यहाँ का मौसम का थोड़ा लोकेशन देखो आप कि कितना पानी भरा पड़ा है, और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। देखो आप लोग थोड़ा, आप लोग यार हमें सपोर्ट कर दिया करो, हम बहुत बुरी जगह पे रहते हैं गाइस। देखो कितनी नली भरी पड़ी है और हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया करो। क्या करूँ दोस्तों, आजकल बेटा घर पे नहीं रहता ना, तो मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं बहलता है। बेटा घर पे रहता था तो बड़ा अच्छा लगता था, अब तो खाली अकेला अकेलापन महसूस होता है। किसके लिए खाना बनाऊँ, किसको खिलाऊँ अपने हाथों से? बच्चे रहते हैं तो घर में थोड़ी रौनक रहती है। पर दोस्तों मेरा बेटा तो मम्मी के घर चला गया है, तो इसीलिए मैं बहुत दुखी रहती हूँ, अकेली रहती हूँ, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में लाइव करती रहती हूँ। और अपना हस्बैंड के लिए भी कुछ शाम को खाना बनाऊँगी, तो दोनों लोग खा लेंगे। पर बेटा जल्दी से आ जाएगा सोमवार को, क्योंकि सोमवार से स्कूल भेजूँगी, तो संडे को ही लेने जाऊँगी। अब तबीयत पहले से बेटर है, और आप लोग प्लीज़ दुआ करिए जल्दी से फुल फाइनल ठीक हो जाए। आज का ब्लॉग में इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे ढेर सारी बातें करूँगी।